नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम शिवम, आप देख रहे हैं शिवम बाबू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए हैं महाराजगंज जिले के मदनपुरा गांव में और आज हम आप लोगों को ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो 120 साल का हो चुके हैं और इन्होंने देश की आज़ादी में भी शामिल हुए हैं और अंग्रेज़ों का जुल्म भी सहे हैं और 1962 का बाढ़ भी देखे हैं और गांधी जी के साथ गोरखपुर में हाथ भी मिला है। तो आइए आज इनसे मिलवाते हैं। जो देखिए सामने वो बाबा हैं, उनका नाम है गोमती साधु। तो आइए उनसे मिलवाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए यही हैं वो बाबा जी जो आज़ादी में भी शामिल रहे हैं, गांधी जी के साथ हाथ मिलाए थे। दोस्तों इनका नाम बता दें आपको, गोमती साधु, ग्राम उपोष मदनपुरा निचलोल महाराजगंज के रहने वाले हैं और इनका उम्र हो गया 120 साल। देश को आज़ाद हुए सिर्फ 75 साल हुआ लेकिन इनका उम्र हो गया 120 साल, यानी आज़ादी के लगभग 30-40 साल पहले इनका जन्म हो गया और आज भी जिंदा है। हमारे लिए, हमारे इस महाराजगंज जिले के लिए गौरव की बात है। इतना उम्र में कोई आदमी कहाँ अभी मिलेगा इस समय। तो गांधी जी को भी इन्होंने देखने गए थे गोरखपुर और उनसे हाथ भी मिलाए थे, सही बात है कि नहीं? दो हाथ के दाढ़ी बताइए, दो हाथ के पहले दाढ़ी, सही बात है, पहले दाढ़ी रखते थे बहुत बड़ा बड़ा, दाढ़ी छोटा हो गया है, पहले से नहीं, पहले जटा था, जटा। तो इनका यही कुटिया देख लीजिए, कुटिया इसी कुटिया में रहते हैं और आप जब आएंगे गोरखपुर से महाराजगंज, महाराजगंज से निचरौर, तो मदनपुरा पेट्रोल पंप के बगल में इनकी कुटिया है, नेशनल हाईवे के बगल में, और यहीं पर आपको मिल जाएंगे। और हम लोग भी देखिए अभी इनका इंटरव्यू लेने आए थे तो सुशील शिवम बाबू भी अपना एक ब्लॉग बना रहे हैं और इनसे भी, चूंकि इनके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जिज्ञासा बनी हुई है कि कैसे एक आदमी इतना सालों तक कैसे जी गया, 120 सालों तक कैसे कोई आदमी जी गया, रोग लग जाता कुछ बताइए, कोई बीमारी कोई नाम देखिए किस तरह से एकदम चलने हैं और हम लोग से बातचीत भी कर रहे हैं बहुत आसानी तरीके से। तो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं इस ज़माने में, 60-70 होते हुए आदमी मर जाता है और उसके दूना उम्र में इंसान जी गए, बहुत बड़ी चीज़ है। कोई ना कहीं हमें अगर अनुमान लगाया जाए तो यही होगा कि हमारे सबसे, अगर भारत में देखा जाए इतना उम्र का आदमी कोई जिंदा नहीं होगा, कोई जिंदा नहीं होगा। अब देखिए यहीं पर इनको दिखाइए थोड़ा, इनका उम्र मुश्किल से 60-70 साल हुआ होगा, कितना बोल रही सरबासठ के बाद नहीं देख ले सरपासन का बाढ़ नहीं देखे है। देखिए कितना बड़ा रोचक चीज़ है, बुजुर्ग ये भी है, बुजुर्ग ये भी है और इनका उम्र अनुमान लिखा जाए तो सरपासन का बाढ़ नहीं देखे और आज़ादी भी देखे, आज़ादी में हिस्सा भी लिए हैं, गांधी जी से भी मिले हैं महाराज गोरखपुर में जाके, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक एक आदमी 60-70 साल का बैठा है और एक आदमी 120 साल का बैठा है, अनुमान लगा लीजिए, दूना दूना अनुमान है और कोई देखेगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि 120 साल का आदमी होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, हम देख दिए, देखिए ये चाचा जी हैं मतलब 60 साल के हैं और देखिए ये बाबा जी हैं 120 साल के, देखिए दोनों इनके दूना हैं लेकिन देखिए उतना कोई मतलब दिखने में नहीं लग रहा है। बाबा ये बताओ कि गांधी जी हाथ को मिलौले ला तू, कितना दिन हो गए मिलौले गांधी जी हाथ है? ढेर दिन हो, ढेर दिन भाई बा भाई 75 साल हो गए देश का आजाद करौले, ढेर दिन भाई बा चक लगा सब पता बा, नहर खराइल हो पता बा, नहीं पता बा सब इनकर होती बोल बा, बाढ़ आइल 67 में हो पता बा, हां सर भाई बा की जाय बा हो बा, यो पता बा सब पता बा, कल चीज के सड़क बन तब बन। देखिए पहले सड़क है, पहले कच्ची सड़क था नहीं, बाद में उसके मतलब बहुत। तो इस तरह से दोस्तों बहुत बड़ी चीजें हैं कि जो पुरानी पर नहीं है, चीजें आज भी इनको याद है और कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस जमाने में, कहाँ मिलेंगे लोग। जितने भी नहर खुदाई हुई थी कांग्रेस के जमाने में तो उस नहर को भी खुदवाए हैं और हमारे गांव में सब लेबर तो दोस्तों आइए इन बाबा की एक खासियत बताते हैं हम, बाबा आज तक जिंदगी में कभी चप्पल नहीं पहने, देख सकते इनका पैर, आज तक कभी चप्पल नहीं पहने और जिंदगी में आज तक कभी चश्मा नहीं लगाए, ना चश्मा लगाए ना आज तक कभी जिंदगी में बचपन से ही, क्योंकि चप्पल तो अभी लगभग 70 साल से आया है, उसके पहले चप्पल कहाँ था, खराब लोग पहनते थे, प्लास्टिक के बनाकर पहनते थे लोग जो चप्पल के चलते थे, तो आज तक कभी चप्पल नहीं पहने और आज तक कभी चश्मा नहीं लगाए, दिखाई देता भरपूर और दिखाई पर भरपूर देता है। और देखिए जो सामने तालाब है आज भी इसी तालाब का पानी पीते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ये जो बाबा जी हैं
120 साल का हो चुके हैं और 7 बगीचा लगा चुके हैं। देखिए सभी इन्हीं का बगीचा लगाया हुआ है, इतना मोटा मोटा पेड़ हो चुका है, 50-60 साल पहले का बगीचा लगाया हुआ है। इनके द्वारा लगाया गया बगीचा, कोई बगीचा कट गया तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि सब बगीचा कट गया अभी जिंदा। लोग कहते हैं कि वृक्षों का उम्र बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यह वृक्ष से ज्यादा उम्र में इंसान जी गया, यह बहुत बड़ी चीज होती है और ऐसी चीज लोग कहाँ मिलते हैं। वास्तव में वृक्षों का जीवन इंसान ज्यादा होता है, लेकिन वृक्ष समाप्त हो गया, ढह गया, लेकिन आज भी वो व्यक्ति जिंदा है जिसने पेड़ लगाया था और तमाम पेड़ आज हैं जो इन्हीं के द्वारा लगाए गए हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि हम आपको मिलाने वाले थे कि जो बाबा जी हैं गांधी जी के साथ हाथ मिलाए थे, देखिए यही है जो गांधी जी के साथ हाथ मिलाए हैं गोरखपुर में, पैदल चल के गोरखपुर में गांधी जी आए थे, पैदल जाते थे, कोई आंदोलन करने आए थे ना, आजादी का आंदोलन में। हाँ, तो गांधी जी गोरखपुर में आए थे आंदोलन करने, तो ये बाबा जी हैं पैदल गए थे गांधी जी से मिलने और गांधी जी से हाथ मिलाए थे। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद।